अरे फिर से कुरियर मंगा लिया तुमने कमाल हो गया भाई साहब रोज-रोज क्या मंगा रही हो अच्छा अब बताती हूँ सो so, मेरी से हेलो फर्स्ट हाँ से हेलो हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग वेलकम टू माय चैनल चक्टोरी रजनी और शादियों का सीजन आ रहा है आ चुका है इनफैक्ट जैन फेब अभी फुल ऑन शादियां होने वाली है और मेरी बहुत क्लोज है बहुत मेरी बेस्ट फ्रेंड है प्रियंका उसकी ननंद की शादी है तो उसने मुझे कहा कि रजनी मेरे सर पे बहुत सारा काम है लेकिन मैंने कहा भाई मैं सारी हेल्प कर दूंगी जहाँ जहाँ बोलोगे हम सब हेल्प कर लेंगे अब क्यों टेंशन ले रहे हो बोले कि नहीं बहुत सारा काम है तुम्हारी तरफ से मुझे एक ही हेल्प चाहिए मैंने कहा बताओ तो उसने कहा है शादी का जो कार्ड है उसके साथ जो मिठाई जानी है मीठा जाना है वो तुम देखो कुछ अलग सा लाओ नया सा लाओ अरेंजमेंट लाओ अलग अलग रेंज के लाओ क्योंकि ऐसे ही होता है ना कि भाई रिलेटिव्स को इस रेंज तक का देना है फिर ऑफिस फ्रेंड्स है स्कूल फ्रेंड्स है और नेबर्स है फिर इधर उधर के दूर के सब तरह की कैटेगरी होती है तो बजट भी तो हिल जाता है ना अगर सबको एक जैसा दे तो अलग अलग बजट के गिफ्ट चाहिए और मुझे तो आप जानते हो मैं सोचती हूँ मुझे मिठाई नहीं देनी है अरे शादी के कार्ड के साथ जा रहा कुछ हटके है तो रहा। कुछ एग्जैक्टली exactly, कुछ हटके होना चाहिए कुछ डिफरेंट और नया होना चाहिए तो मीठा भी लेकिन चाहिए पर मिठाई नहीं चाहिए इससे अच्छा क्या है आपको पता है मिस्टर गुलकंद मेरा फेवरेट ब्रांड है मैं इतना हम लोग गुलकंद खाते हैं और गिफ्टिंग के लिए भी मैं आजकल यही ऑर्डर करती हूँ पॉकेट फ्रेंडली है और जब किसी को देते हैं ना वो इतने खुश होते हैं क्योंकि गुलकंद मुखवास ये सब हर किसी को पसंद है सो तो बस यही मैंने इस बार सैम्पल्स मंगाए हैं वैसे तो मैं तो यूज़ करती हूँ लेकिन सैम्पल्स इसलिए मंगाए हैं क्योंकि अप्रूवल तो चाहिएगी ना मेरी फ्रेंड की तो मैंने अलग अलग रेंज के अलग अलग सामान मंगाए हैं मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी मैं थोड़ा दिखाऊं थो पूछ लिया था उनके चल जाएंगे ऐसा कुछ वो तो वे तभी तो उसने मुझे कहा है कि हम सेम चीजें नहीं कुछ मीठा जाना है पर मिठाई नहीं जानी है और इतना टाइम नहीं बेचारे के सर पे अब शादी की शॉपिंग करनी है कार्ड्स बनवाने ये करना वो करना वो सब करेगी क्या तो हम सब फ्रेंड्स के सर पे एक एक काम आया है और मेरे काम पे रिटर्न गिफ्ट का काम आया क्योंकि हमेशा मेरे गिफ्ट उन्हें पसंद आते हैं ओके okay. so, ये, ये कुछ नया है। हाँ सो so, अब मैं बताती हूँ सो so, ये एक लो रेंज में लो इन सेंस नीचे से हम शुरू हो रहे हैं so, सो ये चार पीस का एक है इसमें अलग अलग फ्लेवर्स हैं और ब्यूटिफुल लुकिंग ठीक है उसके बाद ये खोले कैसा दिखता होगा ये ये नया आया है एंड बेस्ट पार्ट ये है कि जब आप होलसेल में खरीदोगे आप उनके कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हो होलसेल पे आप उनको बोल सकते हो कि भाई हमें इतने पीस चाहिए तो वो रेट्स बहुत रीजनेबल कर देते हैं खरीदने के लिए अरे वाह ये तो सही आया है ये देखो ये दस फ्लेवर्स हैं इसमें और इस पता है उन्होंने मुझे क्या कहा था जब मैंने सारी बात बताई कि मुझे शादी के लिए चाहिए ऐसे ऐसे चाहिए तो उन्होंने मुझे कहा था कि ये जो बॉक्स है ना हम आपके शादी का जो कार्ड है उसके जैसे मैच करते हुए भी बना के आपको दे सकते हैं टाइम से अगर आप ऑर्डर देंगे तो वाह ये देखो कुछ अलग लग रहा है ना ऐसे लग रहे ताश के पत्ते नहीं है और दिस इज टोटली न्यू मेरे लिए रुको 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 एक सेकेंड कैसे निकालू <laughs> ना हाँ एक मिनट वाह सो ये है मिंट रेसबेरी ये दुबई जाता है गया ये उर्दू में लिखा है mm. केसर इलायची चॉकलेट ये भी चॉकलेट है वाह चॉकलेट के दो दो मिंट दो रेसबेरी अच्छा एक और रेसबेरी केसर इलायची केसर इलायची ओके ये बेसिक बेसिक फ्लेवर्स हैं जो अवेलेबल हैं है। ओके और भी फ्लेवर्स शायद हो सकते हैं अब वो कौन सा खोलूँ का हूँ, ओके कौन सा खोल हो? केसर इलायची खोलूं, मिंट खोलूं, केसर इलायची ओके दो मिनट तो ओके ये समथिंग न्यू है वाओ पैकिंग देखो खोलो खोल नहीं है खाएंगे हम तो, तो मुझे पता है फल तो आ, टेस्ट करेंगे ये देखो ऐसे हां क्या खुशबू आ रही है अमेजिंग मतलब अमेजिंग खुशबू आ रही है इलायची की केसर की हम्म मेरे ख्याल से ये दुबई में भी बिकता है तभी ये पूरा दुबई वाले लैंग्वेज में लिखा है ये देखिए सो so ये है ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये भी बहुत सही आइटम है मतलब आप चाहें तो डिफरेंट फ्लेवर्स जो फ्लेवर्स आपको पसंद है आप वो अरेंज करवा सकते हैं इसमें इसमें दस दस है ना दस डब्बे आएंगे ये चार ये दस और ये डब्बा आपके ग्रीटिंग कार्ड के मतलब ग्रीटिंग कार्ड वेडिंग कार्ड के हिसाब से हो जाएगा मतलब मेरे को ये बहुत अच्छा लग रहा है एंड दिस इज समथिंग डिफरेंट यार स्टोरिंग का भी चक्कर नहीं और ऑन द गो आप कहीं फ्लाइट में जा रहे हो कहीं पे भी जा रहे हो लेके जा सकते हो मस्त है ना oh. और ये एक डब्बा मैंने मंगाया था ये वेलवेट का है ये काफ़ी हैवी है इसमें ऐसे दो जहाज आते हैं सो so जैसे ये क्लोज रिलेटिव हो गए ना खास ख़ास को देने हैं तो ये पकड़ने भी बहुत हैवी है और ये मेरा फेवरेट पान बॉक्स दो मिनट दो खोलती हूँ ये तो वैसे आप सबको पता है पर मैं फिर भी दिखा रही हूँ ये भी बजट के अंदर है जैसे आज ही <laughs> मेरा सामान आया है मैं तैयारी कर रही हूँ और आज ही किसी फॉलोअर का मुझे मैसेज आया था इस पे हमारे एफ के पेज पे कि मुझे 800 से लेके हज़ार के बीच में एक वेडिंग का रिटर्न गिफ्ट मीठा कुछ बता दो मतलब कुछ अच्छी चीज़ रिटर्न गिफ्ट में एंड आई वाज लाइक अरे वाह हम भी वही ढूंढ रहे हैं आप भी वही ढूंढ रहे हो वाहू क्या वाह यार खुशबू इतनी बेहद अच्छी आ रही है ना ये देखो थैंक यू तो ये इसमें मुखवास के तीन डब्बे आते हैं एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए मुखवास के तीन डब्बे अलग अलग फ्लेवर्स के हैं और एक गुलकंद आता है सो तो ये प्रॉपर पान बॉक्स है सो तो ये चार आइटम्स मैंने मंगाई है ये देखिए वाह ब्यूटीफुल है ना सो तो आपका कोई भी बजट हो मतलब हज़ार बारह सौ पंद्रह सौ के अंदर या आपका चार सौ का भी बजट हो डोंट वरी मतलब आपका जो भी बजट हो उस बजट के अंदर ये लोग कर लेंगे सो so, आप ये मान के चलिए आई थिंक मिनिमम तीन सौ चार सौ होगा तीन तीन सौ से लेके 1500 पंद्रह सौ के अंदर आपको बहुत अच्छा वेडिंग का आइटम मिलेगा देने के लिए मिठाइयाँ बहुत बोरिंग हो चुकी है, तो so, मेरे को तो ये आइडिया बहुत अच्छी लग रही है बाकी सजेशन्स जब बाकी सब लोग देंगे आप लोग देंगे तब समझ में आएगा कि मेरी आइडिया अच्छी है कि नहीं और अगर मैं मान लो जी अब मुझे आपको इनवाइट करना है वेडिंग में और मैं इनविटेशन के साथ ये डब्बे इनमें से कोई भी एक डब्बा दूँ तो आपको कैसा लगेगा मस्त लगेगा कि नहीं मतलब मेरी आइडिया कैसी है बता दो ताकि मैं आगे जाके इस आइडिया को अपने फ्रेंड को बताऊं और वो खुश हो जाए और मुझे डांटे ना वैसे तो खुश हो जाएगी ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ये वैल्यू फॉर मनी भी है और पता है अच्छा लगेगा ये ये मेरे हिसाब से बजट वाली स्टफ है ये भी अच्छा है ये भी अच्छा है मतलब सारी चीज़ें अच्छी है मैं क्या बोलूँ और ऑब्वियसली uh, हर बजट होता है महंगे में ये है फिर थोड़े में ये फिर थोड़े में ये और फिर थोड़े में ये आई लव इट सो अगर आप लोग को भी लगता है मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा है आपको समझ में आ रहा है तो मुझे ज़रूर बताना ये चीज़ और हाँ कहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं ये मिस्टर गुलकन की वेबसाइट है मिस्टर गुलकंद डॉट कॉम वहाँ पर आप जाके इनको ऑर्डर कर सकते हैं पर अगर आप शादी ब्याह के लिए ले रहे हैं प्लीज़ उनके कस्टमर के केयर नंबर पे कॉल करके बात करना बल्क ऑर्डर के लिए वो बहुत अच्छी डील्स दे रहे हैं बहुत बहुत अच्छी डील्स दे रहे हैं जैसे मैं उठाने वाली हूँ इस शादी के लिए ठीक है बाबू आपको कैसा लगा आपने मुझे बताया बहुत बढ़िया मतलब इसका तो फ्लेवर भी अच्छा है मतलब सबसे ज्यादा चटोरे मेरे घर में संगीत जैन है जितना गुलकंद है ना वो ही खाते हैं मुखवास वो खाते हैं और गुलकंद ये एक जार अगर इनको दो ना पूरे दिन में खत्म करके जार ऐसे चाट चाट के दे, दे देंगे कि ले तेरा जार खत्म वो तो मैं पकड़ पकड़ के रखती हूँ और ठंड में खाया हुआ गुलकंद तो वैसे ठंड में गर्म रखता है या गर्मी में ठंडक देता है जिस तरीके से आप यूज़ करोगे ना वो वैसा आपको फ़ायदा देता है तो ये पूरे साल चलने वाली चीज़ है कभी मतलब आप ऐसे जब देंगे तो आग... शेल्फ लाइफ भी अच्छी है खराब नहीं होने वाली बोलने से नहीं होगा ना फीडबैक आएगा तब प्रियंका, प्रियंका का का या किसी तब एक्जैक्टली बट प्रियंका को ये चीज पसंद है मुझे पता है दिवाली पे मैंने उसे दिया था तो उसने मुझे कहा था कि uh, अच्छा टेस्ट है मतलब मैंने सब फ्रेंड्स को पूछा था कि आप लोगों ने खाया जो मैंने दिया एंड सबसे पहले जो प्रोडक्ट का जो उनके मुंह पे नाम आया था वो था गुलकन यार गुलक बहुत अच्छा था टीना भी कल बोल रही थी जो मैं उसे गई थी मिलने के लिए यार गुलकंद बहुत अच्छा था एनी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि प्रियंका को अच्छा लगे कॉन्सेप्ट और फिर मेरी तरफ़ से एक हेल्प हो जाएगी उसके लिए और और लोग याद रखेंगे कि शादी के कार्ड के साथ जो गिफ्ट आया था ना कमाल का था शादी क्यों आ, चाहे आपके आ, बेबी का नेमिंग सेरेमनी हो या जो बेबी का नाम हाँ हिंदी में नाम रखने का सेरेमनी हो एनिवर्सरी पार्टी की हो या गृह प्रवेश हो कोई भी चीज़ हो यार फंक्शन हमें तो एक चाहिए होता है ना बजट का रिटर्न गिफ्ट ये बहुत अच्छा है मिठाइयों को करो दूर और ये क्योंकि मिठाई की ना एक शेल्फ लाइफ है टाइम से नहीं खाया तो तब मुझे ये अच्छा लगता है आई एम लविंग इट इतनी खुशबू ही डेडली है मज़ा आ गया